नमस्कार, जय गणेश, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज का हमारा विषय है गणपति जी की विदाई की घड़ी आ गई है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एस्ट्रो तक, यूट्यूब में और फेसबुक में। एस्ट्रो तक में गणेश जी की विदाई के बारे में बताने आया हूं। गणेश जी की विदाई बहुत ही शुभ घड़ी में होगी और गणेश जी हमारे लिए मंगल ही मंगल करके जाएंगे। हालांकि बहुत ही दुख की घड़ी है, गणेश जी हमारे साथ 10 दिन रहे, हमने खूब पूजा पाठ की, आनंद किया, भजन कीर्तन किया, नाचा गाया, गणेश जी को मनाया, भोग प्रसाद भोग लगाया गणेश जी को और भोग खाया, भोग बांटा, लोगों को प्रसाद बांटा। उत्साह की घड़ी थी, प्रथम पूज्य है। ये त्योहारों का सिलसिला, जितने भी त्योहार होते हैं उनके सिलसिला गणेश चतुर्थी से शुरू होता है 10 दिन का। अब आगे आगे श्राद्ध आएंगे, नवरात्रि आएंगी, दिवाली आएगी, आगे के बहुत सारे त्योहार आएंगे, लेकिन अभी तो बड़ा दुख हो रहा है कि गणेश जी जा रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गणेश जी हमें बहुत कुछ दे के जा रहे हैं, मंगल ही मंगल करके जा रहे हैं। क्या दे के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों का क्या संयोग है, बताता हूं आपको। गणेश जी की विदाई 1 सितंबर अनंत चतुर्दशी वाले बड़े शुभ दिन हो रहा है। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, उस दिन विष्णु भगवान का दिन है और मंगलवार पड़ गया है। मंगलवार की गणेश जी की पूजा सुबह जो होगी विदाई से पहले, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लाभ देने वाली। तो जरूर करिएगा गणपति बप्पा की पूजा और उनको केले और लड्डू का भोग लगाइएगा और बांध के देना भी है विदाई में उनको। जैसे कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लंच पूरी सब्जी पैक कर देते हैं ना, वैसे ही उनको भी पैक करके देना है। बहुत दूर जाएंगे वो तो उनकी माँ की इजाजत होती है, भाई ठीक है जब भी आए चतुर्दशी वाले दिन वापस आ जाना। हाँ, पार्वती जी ने बोल दिया था उनको। तो क्या होगा कि उस दिन क्या है नक्षत्र, उस दिन है धनिष्ठा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी जो भी मांगोगे मिलेगा, आपकी सिद्ध होगी बातें। तो गणेश जी की मैंने बताया सुबह पूजा पाठ करनी है, मंगल का नक्षत्र है और भादो के महीने में 5 मंगलवार था, 5 मंगलवार का ये आखिरी मंगलवार है। और मंगलवार जब होता है तो मंगल ही मंगल करता है, इंसान का कल्याण करता है। तो ये है ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग। और मंगल कहाँ है, मंगल अपनी ही मेष राशि में है, तो भला मंगल करने से कौन रोक सकता है, होगा मंगल, कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल होगा आपका। गणेश जी की सुबह अच्छे से पूजा पाठ करें, आरती करें विदाई से पहले। कैसे करना है देखिए, आपने क्या करना है, गणेश जी को नारंगी वस्त्र भेंट करना है, केला लड्डू की भोग लगाना है, घी के दीपक से आरती करना है, कपूर से आरती करना है, चावल अक्षत चढ़ाना है और ओम गणपतये नमः का जाप करना है। तो ये सब करके पूजा पाठ करके उनको फिर खिचड़ी का भोग लगाना है, खिचड़ी में गाजर जरूर डालें और खिचड़ी का भोग लगा के उसके बाद उनको खिला के लोगों को बांट करके शाम को दोपहर को विदाई होगी। तो देखिए उसके पहले गुलाल लगाया जाता है, किसी भी देवता का विसर्जन करने से पहले गुलाल से गुलाल खेला जाता है, उनके चरणों में नारंगी सिंदूर या नारंगी गुलाल पहले डालेंगे और उससे फिर आपस में होली की तरह खेलेंगे। उसके बाद पूरे गणेश जी की मूर्ति को उठा के ट्रक में रखना है, छोटी मूर्ति हो तो सर पे रख के ले जाना है। निकलने के बाद पहले आपको ईस्ट, मंगलवार का दिन है, शुभ होना चाहिए, तो ईस्ट साउथ आग्नेय कोण जो होता है,
ईस्ट का साउथ कोना, उधर पहले जाना है आठ कदम निकल कर विदाई में, उसके बाद फिर कहीं भी जाइए। और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है, ऐसी जगह करना है क्योंकि मिट्टी गणेश जी आपने रखे होंगे, ऐसी जगह करना है जहां पे अच्छा हो, गंदगी ना फैले और वो मूर्ति गल जाए। तो बस गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और क्या बोलना है, गणपति बप्पा जाते हो तो जाओ लेकिन अगले बरस जल्दी आना। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा जाते हो तो जाओ अगले बरस जल्दी आना। तो अगले बरस जल्दी आना की कामना करते हुए, और जब हम की विदाई के लिए शुरुआत करेंगे तो उनसे जो भी अपनी मनोकामना, क्योंकि मंगलवार है, मंगल गणेश जी का दिन है, बुध और मंगल, और वो जा रहे हैं मंगलकारी हो करके, तो जो भी मांगोगे वो मिलेगा। तो जरूर मांग लेना अपनी मन की मुराद, पूरे एक साल में रहेगा आपके पास, सारी मुरादें आपकी पूरी होगी, सारी मन्नतें पूरी होगी, आपका कल्याण होगा, धन दौलत विघ्न बाधाएं सब नाश होंगी, शादी ब्याह हो जाएगा और बहुत सारा धन भी आएगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ये आप कर लेना, विदाई की घड़ी आ गई है, दुख भी हो रहा है लेकिन भेजना तो पड़ेगा गणेश जी को, तैयारी पहले से कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। नमस्कार, राम राम। मुझे इजाजत दें, चलता हूं मैं, आगे फिर एक नए विषय के साथ आऊंगा, लेकिन आप देखते रहना एस्ट्रो तक, कहां भाई, तक ऐप में, तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं करा, तक ऐप में एस्ट्रो तक देखिए, फेसबुक भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गणपति जी से अपना वरदान मांगिए। नमस्कार, राम राम।